अपंति समारा तीनों लोक हापते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। बारह ज्योतिषलिंग तो पूरे ही होंगे ओके जी जी बोल दो यही बस आपका आशीर्वाद रहना चाहिए बस। रास्ते में कोई तकलीफ दे कोई परेशानी हवा से वहाँ नीचे डला था अच्छा तो मैंने राहुल भाई आपसे बोला था कि आप थोड़ा व्यवस्थित कर दीजिए शायद अपन को इसलिए उनने ऊपर बुलाया सही और ये पूरे जबलपुर यहाँ दिखता है राहुल भाई हाथ पसंद है हार्ड वर्किंग वाले हार्ड वर्किंग पर्सन है इंडियन आर्मी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आर्मी में जाऊँ लेकिन नहीं जा पाया शायद बजंग मैं आए नहीं दो तीन दिन से मैं आए नहीं मेरे को लग रहा था कि मैं ऊपर जाऊं लेकिन आज वो किसी बहाने मैगी की डंक को लेने ये सब लेने तो ऑडी चलाता हूं। ऑडी जी क्या बात है किसकी चलाते हैं चलो चाचा जी आपसे मिलवाता हूं। अच्छा मैं बोला चलो ठीक है चलते आप पधारे अरे चलो मैं दर्शन कर लूंगा भाई देवा भाई देवा भाई देवा भाई देवा भाई कौन है भाई ये है देवा भाई देखो ये है अपने देवा भाई तो हेलो कैसे हो दिन से कोई अपडेट नहीं था आज का दिन ऐसे ही रह गया यहाँ पर और कपड़े वपड़े धोए थे उसके बाद मैं खाना वाना खाया थोड़ा सो गया और बस शाम के टाइम में उठा हुआ हूँ थोड़ी एडिटिंग कर रहा था ज़रा वीडियोस पोस्ट मारी इंस्टा में फेसबुक में पोस्ट मारी हैं आपको अच्छी लगी होंगी तो उसमें कमेंट मारिएगा और सबसे यही उम्मीद यही आशा और थोड़ी देर बैठा था यहाँ पर तो अभी मेरे से यहाँ पर कुछ लोग यहाँ के लोकल लोग मिलने आए हुए हैं और यहाँ पर मंदिर में मिलना है वे हमसे और देवा भाई के दोस्त हैं देवा भाई आपने रीसेंट वीडियोस में देखे होंगे उनके फ्रेंड लोग आए हुए हैं उन बड़े भाई और छोटे भाई लोग आए हुए हैं और कुछ बात बात करना चाह रहे हैं हमसे और हमने कुछ बात बात करी भी और बहुत बढ़िया लगा इन लोगों से बात करने में और अच्छा लगा इन लोगों को चलो दिखाते हैं मैं अब इनसे बात करवाता हूँ आपको ज़्यादा समय ना लेते तो हेलो बड़े भाई क्या नाम है आपका जॉनी जॉनी भाई क्या करते हैं आप मेडिकल में जॉब है अच्छा और यहाँ पर आज आप आते रहते हैं डेली आते रहते हैं डेली तो नहीं आता कभी कभी आ जाता हूँ देवा भाई के पास अच्छा उन्होंने मेरे को बताया कि आप पधारे हैं अरे तो क्या मैंने चलो मैं दर्शन कर लूँ आपके अरे दर्शन के देवा भाई का भी धन्यवाद और आप गुरु जी आपका तो धन्यवाद है ही अरे धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और ये एक भाई और हैं भाई जी आपका नाम मिलनगिरी गोस्वामी मिलनगिरी गोस्वामी जी कैसे हैं आप बढ़िया आप बताइए बहुत बढ़िया और आप भी देवा भाई के साथ ही आए हुए हैं हाँ उन्हीं ने मेरे को बताया कि भाई एक बाबा जी हैं चलो चाचा जी आपसे मिलवाता हूँ अच्छा तो मैं बोला चलो ठीक है चलते हैं अच्छा 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 क्योंकि बहुत खुश हुआ कि नहीं भाई ऐसे भी है मैं भी ये यात्रा कराता हूँ घर के अच्छा करता भी कैसी यात्राएं करते हैं गांव कराते हैं अच्छा जहाँ से चला चुका हूँ अच्छा इसलिए मिलने बहुत आनंद आया मुझे पता चला क्या बात है आपने कौन कौन सी यात्राएं करी हैं और नर्मदा परिक्रमा गंगा सागर नर्मदा परिक्रमा में कितना टाइम लगता है कितना दिन लगता है नहीं हम लोग तो क्या बस से करते थे कराते थे अच्छा 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 है ना तो उससे 22 दिन में हो जाता था अच्छा 22 दिन में पड़ करनी पड़ेगी परिक्रमा अच्छा तो आपको मेरी यात्रा अगर मैं जो यात्रा कर रहा हूँ यहाँ पर तो आपको ऐसा लग रहा है कुछ कि मेरे को देख के कि आगे जाके मैं ये यात्रा कैसी रहेगी मेरी बहुत बढ़िया रहेगी आपकी आगे का मैं आपको लाइन बताऊंगा हाँ चलिए ठीक है आपसे बात करते हैं और एक भाई ये हैं जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री महाकाल महाकाल की क्या नाम है आपका पवन कुमार लाहौरी क्या बात है क्या करते हैं आप जी मैं ड्राइवर हूँ अच्छा किस चीज़ के ड्राइवर हैं आप फोर व्हीलर चलाते हैं नहीं फोर व्हीलर तो सारी गाड़ियाँ होती हैं मतलब कौन सी गाड़ी होती है मैं अभी तो ऑडी चलाता हूँ ऑडी जी क्या बात है किसकी चलाते हैं मैं यशपाल जैन अच्छा जी तो उनके ड्राइवर साहब हैं जी और बहुत ही हंसमुख और बहुत ही जुझारू अपने यहाँ पर बड़े भाई और आते ही मुझे बोलने लगे महाराज महाराज है मैंने कहा यार महाराज नहीं हूँ यार मैं आपकी तरह ही हूँ और देखिए उस समय से बिल्कुल भाई लग रहा है यार सब भाई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से आप यहाँ आते रहते हैं जी दादा लगभग तो मैं कंटिन्यू तो हफ्ते में 2-4-5 बार तो आता हूँ देवा भाई से मतलब हमारा बहुत प्रिय मित्र है छोटा भाई है देवा भाई कौन है भाई ये है देवा भाई देखो
ये है अपने देवा भाई। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। अब ये अब एक मिनट, अब इनका इंट्रो का अभी समय अब आया हुआ है, दो या तीन दिन से नहीं आया था सही, आज है तो समय जो आपको देंगे, आप हैं देवा भाई, ये फुल इंट्रो देंगे पहले। आज आप देवा भाई, जय श्री राम, जय श्री राम, भगवान का सेवा। बहुत बढ़िया, मतलब जिंदगी में अपन से अपन लोग मर्द हैं, मर्द की कमाई में सबका हक है, अपन को ये मालूम है। और मैं अपने माता पिता से भी 5 रुपए नहीं मांगता कि आप मेरे खर्च के लिए दो, क्यों, क्योंकि मैं खुद 1000 रुपए दिन कमाता हूँ अपनी मेहनत के बल पे। ये मेरा औजार है, यह तौली में सेंटिंग का उस्ताद हूँ, और मेरा सिस्टम बहुत भयानक है। 25 किलो की मैं कटोनी चलाता हूँ भाई साहब, 25 किलो की मैं कटोनी चलाता हूँ, मतलब मेरा बहुत खतरनाक सिस्टम है। और मेरे को है ना, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, मेरे पिताजी मुंबई में रहते हैं राजेश भाई, और मैं आपसे बता रहा हूँ ऊपर वाले को जो खुरदुरे हाथ पसंद है, हार्ड वर्किंग, घट वाले, हार्ड वर्किंग पर्सन है। मतलब इंडियन आर्मी, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आर्मी में जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं है ना आर्मी से खतरनाक वर्क करता हूँ। मैं 5 मंजिल पे है ना आउटर में, समझ रहे ना, अब 4 इंच दीवार पे है ना मैं चल जाता हूँ, इतना खाता को जान लेगी। मतलब मैं वो कारी हार्ड वर्कर और उस्ताद हैं भाई। आपसे बोलना चाहता हूँ कि आपका जो पूरा है ना 12 ज्योतिर्लिंग तो पूरे ही होंगे, ओके जी वो तो यही, बस आपका आशीर्वाद देना जी, बस रास्ते में कोई तकलीफ दे दे, कोई परेशानी नहीं, बस बस नहीं, तकलीफ का आशीर्वाद ही चल रहा होगी। तकलीफ देने वाले तो अब मैं छोड़ के आ गया हूँ, अब तो संभव ही नहीं है। भगवान के जो छोटे भाई लखन है, इतना भयंकर पावर है, अपन भी छोटे भाई लखन जैसे, मतलब अगर चाह ले लखन तो पलट धरनी का गाड़ा है, पूरी धरती के अपन उल्टो बढ़ा दे, अपन वो पागल है। सही बात, रामा जी की जय हो, जय रामा दल के सूरमा तनक धरे तीर और मेघनाथ बलवान पे चला रहे तीर पे तीर, क्या बात है, जय हो, जय माई, पागल है, जय माई जी, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, सीताराम। रात का खाना आज मैगी होने वाला है, और ये सब भाई लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, पूरी चौकड़ी जमा के पूछने में लगे हैं, बाबा मंत बना दिया हमें, साधु बना दिया है, और लग गए हम ऐसी रहे आजकल 2-4 दिनों से, तो मैगी खाई जाएगी आज, अभी देखते हैं जो नसीब में होगा तो वो खाएंगे, जो नसीब में है वही मैगी है, तो मैगी खाएंगे आज रात, और दिखाता हूँ आपको कैसे बन रही है मैगी। कुछ अपने भाई लोग, भक्तगण, शिव भक्त लोग, और बातचीत चल रही है इनसे बढ़िया। तो आज सुबह का अपडेट भी ये था कि सुबह से आज कोई ज़्यादा कुछ काम धाम नहीं हुआ, जो कपड़े कल डाले थे उठाए, सूख गए थे, तह बनाई और सोसेजे फिक्स कर दिया, कैंपिंग की ज़रा सफाई करी, 2 दिन से गंदा पड़ा था कैंप टेंट मेरा, और ज़रा यहाँ पर प्रांगण में झाड़ू वाड़ू लगाया, वहाँ धोया थोड़ा सा, कौवा स्नान करा, और खाने में क्या खाया था, खाने में
चने खाए हमने, खाने में चने खा रखे हैं, और अभी बना दी है मैगी। तो मैगी खाता हूँ और फिर बताता हूँ आपको आगे की है। इतनी मैंने इसमें निकाल दी, सूखी वाला पार्ट इसमें निकाल दिया, खुशी थी भाई जी। खाओगे? थैंक यू, आप पाइए। ये कल भी आपने देखा होगा, और ये भाई लोग सब बैठे हुए हैं, ये बड़े भाई बैठे हुए हैं, कल भी आपने वीडियोस में देखा होगा। क्या नाम है आपका? जॉनी। जॉनी भाई। और ये तो अपने महात्मा भाई, अपने देवा भाई। चलो खाता हूँ फिर यार, इसको अब खत्म करता हूँ, भूख तो लगी है जी। सुबह से तो कुछ खाया नहीं है शायद आज। शुक्ला तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन ते समारा मारो अबे तीनों लोग हापते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतन हनुमंत वीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव। आज मैं भाई राहुल, राहुल भाई साय अल्मोड़ा से जो शांति साइकिल यात्रा का शुभारंभ किए हैं, आज मैं उनको भूतनाथ टेकरी के सबसे ऊपर वाले मंदिर लेके आया हूँ। सबसे ऊपर वाले जहाँ से पूरा जबलपुर दिखता मेरे भाई, पूरा जबलपुर। ये मेरे बजरंग अखाड़ा के बजरंग है, और ये पूरा जबलपुर दिखा दूंगा मैं आपको। आज मैं राहुल भाई को यहाँ पे लेके आया हूँ। मैंने कहा राहुल भाई दिन तो ठीक है, रात भी देखो जबलपुर, पूरा जबलपुर ऐसा दिखता है ना, संस्कारधानी जबलपुर हमारा। ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है, ये मनसी टोरिया है, ये मनसी टोरिया सिद्ध बाबा की पहाड़ है। ये आप आए यहाँ से पूरा जबलपुर दिखेगा आपको। ये शोरूम वोरूम है, ये हमारे पहाड़ हैं, ये पूरा जबलपुर। इसके बाद ये हमारा अखाड़ा जो जहाँ पे राहुल भाई को भी मैं लेके आया हूँ दर्शन करवाने बजरंग के, और राहुल भाई बढ़िया दर्शन कर रहे हैं प्रभु के। उनका मन नहीं था, लेकिन बजरंग है ना, जिसको खींच लेते हैं वो आता ही है, और जो उनको करवाना रहता है वो करना ही पड़ता है, कोई कितना ही कुछ कर ले। ये मेरे बजरंग का प्रभाव है। तो सीताराम सीताराम, राम राम सीताराम। तो आज मिल गए, हो गए हैं दर्शन प्रभु के, और ये उन्हें मैंने श्री राम जी का किसी ने चढ़ाया था तो मैंने उन्हें पहना दिया है। क्या बोलते हैं इसे, वस्त्र बोल रहे। एक्चुअली ये अभी दो तीन दिन हवा चली थी ना, हाँ। तो उसमें उड़ गए थे शायद। हाँ। बजरंग मैं आए नहीं, दो तीन दिन से मैं आए नहीं, मेरे को लग रहा था कि मैं ऊपर जाऊं। हाँ। लेकिन आज वो किसी बहाने मैगी के डंकंकर लेने, ये सब लेने अखाड़े। हाँ। आ गया, और बजरंग ने बुलाई लिया क्योंकि उनके वस्त्र ना ये हवा से वहाँ नीचे डला था। अच्छा। तो मैंने राहुल भाई आपसे बोला था। हाँ। ये देखिए यहाँ पर मेला चल रहा है, दिख रहे हैं आपको? नहीं नहीं वैसे नहीं होगा, वो झूले दिख रहे हैं, ये प्रॉपर झूले है पूरा, और कुछ ऐसा पूरा जबलपुर 360 मामा, दूर के पुए पकाए, पूर के आप खाए थाली में, थाली में हमको दे प्याली में, वाली लोरी सबने सुनी होगी। और एक प्यारा सा देखो जबलपुर, पूरा जबलपुर इस पहाड़ी से दिखता है, क्या बात है। यहाँ ना असंभव है राहुल भाई, यहाँ पर खड़े। हाँ। अरे कोई नहीं आ पाता है सच में, हम लोगों ने ऐसी जगह ढूंढी है ना, और हम लोगों को ऐसा स्थान मिल गया बजरंग का कृपा से। हम लोग एक दिन ऐसे घूमते मॉर्निंग वॉक में आए थे, तो हमने देखा झंडा लगा है, जो झंडा देखा तो उसके बाद हमने देखा तो यहाँ पे ना इतने बड़े बड़े पेड़ थे, पूरे में कचड़ा था। फिर हम लोगों ने दो तीन दिन लग के मेहनत करके पूरा साफ किया ये बाड़ा, बजरंग का अखाड़ा, इसको अखाड़ा कहते हैं। चलो वीडियो में आपको दिखाऊंगा, मैंने वीडियो यहाँ पर ही ले रखी है। मैं यहाँ पर आया था पहले भी, अभी एक दिन पहले आया था, जब मैंने वो वाली पूरी पहाड़ी एक्सप्लोर करी थी, सामने जो दिख रही होगी आपको वो पहाड़ी, वो पूरी एक्सप्लोर करी थी। चलो चलते हैं यहाँ से नीचे को। चलो तो भाई, चलो वीडियो को रखते हैं यहीं पर तक, और मिलते हैं आपसे आगे। तो जो इस चैनल पर नए हो, कृपया सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें मेरी वीडियोज़ को, और कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव और जय सियाराम। और आपको वीडियो कैसी लग रही है, कुछ ना कुछ प्रतिक्रियाएँ देते रहें अपनी इस वीडियो पे, और मेरे सफ़र के बारे में जानने के लिए, मुझे और जानने के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप जा सकते हैं, वो नीचे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, द गाय फ्रॉम अल्मोड़ा।
तो चलो चलते, ज़्यादा बात नहीं करते हुए लेते हैं विदा। और जय श्री राम, जय श्री महाकाल। नींद भी आने लग गई है, बहुत भयानक। अभी 3 बज रहा है रात का।